सहयोग से महिला बंदियों के लिए आयोजित अल्पकालीन कौशल विकास शिक्षण का शुभारंभ किया गया। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जेल में निरुद्ध महिलाएं बंदियों को सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जेल में निरुद्ध महिलाओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुरुष बंदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आज जिला कारागार जौनपुर में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और आकांक्षा समिति के सहयोग से महिला बंदियों के लिए 4 नग सिलाई मशीन दान स्वरूप प्राप्त हुआ है और महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाने के लिए हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, मास्क बनाना और हर तरह के कार्यक्रम इनके लिए हम स्वावलंबन के लिए कराएंगे। आज हम 4 में सिलाई मशीन प्राप्त किए हैं। एक महिला प्रशिक्षण देने वाली वो भी उपस्थित हुई हैं, वो महिला बंदियों को लगातार प्रशिक्षण देंगी और इससे हम इनसे कैरी बैग बनवा करके और स्कूल का ड्रेस बनवा करके हम इसको मार्केट में सप्लाई करेंगे और इसके लिए जिला संयोजन अधिकारी लाइजनिंग कर रहे हैं और मार्केट से संपर्क करके इनको और इनसे जो पैसा प्राप्त होगा इनका खाता खुलवा के जमा कर दिया जाएगा। महिलाओं कितना आत्मनिर्भर बनेगी, आपका कार्यक्रम चलेगा कितना आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भरता दो अर्थों में इनकी रहेगी, एक तो ये स्वावलंबी होंगी, दूसरा ये कि इनका जो समय कष्टदायक बीतता है उसमें इनका समय बहुत अच्छे ढंग से पास होगा और दिन भर ये कार्यक्रम ये 15 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, उसके पश्चात ये खुद अपना सिलाई मशीन चलाएंगी और उससे बच्चों स्कूल बच्चों के लिए ड्रेस और कैरी बैग और मास्क ये बनाएंगी, इनको हम बाज़ार में वितरित कराएंगे। मुझे लगता है कि न्यूनतम 2-3 हज़ार रुपये प्रति महिला को महीने में प्राप्त हो जाएगा। कुछ महिला अलग होता है, हुनर होता है तो उसको उसके लिए भी हम कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स चलाएंगे, इसके पश्चात हम अन्य कई तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएंगे, उसके लिए हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हमको ट्रेनिंग दिला के। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब बाहर निकलेंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि हमने जेल में अपना 10 साल का या 8 साल का समय व्यर्थ बिता दिया, यहाँ से निकलेंगी तो इनको प्रशिक्षण प्राप्त रहेगा, बाहर रोजगार कर सकेंगे। बाहर भी इनको रोजगार दिलाने के लिए जिला रोजगार अधिकारी से हमने संपर्क किया है, इनको बाहर निकलने के बाद रोजगार मिल जाएगा और स्वावलंबी बनेगी और इसके अलावा हम इनको प्रशिक्षण देने के पश्चात सर्टिफिकेट भी देंगे जो इनके भविष्य के लिए काम आएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक।